forgiven me? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. Hey everyone, आज vlog बना रहा हूँ चाइनीज खाने का. तो चाइनीज लोग काफी लाइक करते हैं हॉट खाना, क्योंकि मैं थोड़ा रहता हूँ नॉर्थ ईस्ट में. तो नॉर्थ ईस्ट में हॉटपॉट काफी फेमस है, यहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है. तो मैं आया हूँ हॉटपॉट खाने, तो देखते हैं कितना बढ़िया है, क्या क्या मिलेगा आपको, क्या क्या नहीं. कुछ फ्रेंड्स के साथ आया हूँ, तो जा रहा हूँ मैं वहीं पर. तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर हॉटपॉट, ये बफे हॉटपॉट है. तो देखेंगे चाइनीज लोग बफे में क्या क्या खाते हैं और क्या क्या होता है. तो रेस्टोरेंट काफी ब्यूटीफुल बनाया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज स्टाइल अलीगढ़ बहुत. तो ये जो मेरे साथ लोग आए हैं, उन्होंने अपना खाना डाल लिया है, मेरी वीडियो के चक्कर मेरा रह गया. तो जो ये पानी है इसको हम यहाँ स्टार्ट करेंगे. तो ये जो बॉयल होगा, तो जो खाना होता है, जो इनकी चॉपस्टिक्स जो यूज हम करते हैं, मैं भी कर लेता हूँ, इसमें डाल के हम पकाएंगे और हम खाएंगे. और तो मैं अपना ले आता हूँ जो मैंने खाना है, क्या क्या खाना है. तो मैं वैसे पहले भी यहाँ पर आया हुआ हूँ, मुझे ये बढ़िया लगता है क्योंकि खाने को बहुत कुछ मिल जाता है यहाँ पर. तो मैं भी अपना खाने लगा हूँ. पहले उठाऊंगा मैं मैगी, इंडिया की फेवरेट, हमारी फेवरेट, हमारी डिश. उसके बाद मुझे तोफ बहुत पसंद है यहाँ पर. तो जो ये तोफ होता है, इसे फिश तोफू कहते हैं, मगर ये नॉन वेज नहीं होता, नॉर्मल तोफी होता है. काफ़ी डिलीशियस होता है, जब पानी में डालो अभी जैसे इतना है, काफ़ी बड़ा हो जाता है. तो इंचा ले लेते हैं, ये भी 400 रुपये खर्चा है. उसके बाद पत्ते तो मेरा मन नहीं है बिल लेने का, ये पत्ते बहुत खाते हैं, मतलब उबी के ये वो डाल के खा लेते हैं. तो यहाँ हमें मिलेगा, देख सकते हैं, ब्रोकली लूँगा मैं, काफ़ी अच्छी होती है ब्रोकली, काफ़ी कुछ मिलता है. बाकी मैं ये नहीं कहूँगा क्या क्या मिलता है इसमें, मतलब बढ़िया होती है ब्रोकली, खानी चाहिए. तो ब्रोकली ले लेते हैं, मेरी प्लेट को भर भी गई यार. प्लेट कैसे दिखाऊंगा आपको, बहुत छोटी छोटी प्लेट नहीं यार, यहाँ पर तो बड़े सा प्लेट होनी चाहिए, चार चीज़ों में प्लेट भर गई. ये रख के आता हूँ टेबल पे, उसके बाद मैं और चीज़ें डालता हूँ. बहुत भूख लगी है, सुबह ब्रेकफास्ट किया था मैंने आलू के पराठे, उसके बाद लंच मिस हो गया. तो चाइना में डिनर टाइम 5 बजे के बाद शुरू हो जाता है, इस टाइम नियर अबाउट 6 बज गए हैं इस टाइम. तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे. बाकी देखते हैं क्या क्या और है यहाँ पर, प्लेट्स बहुत छोटी हैं, मगर टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ ले लेना. हमने एक और प्लेट ले ली है. तो अब मैं लूँगा यहाँ पर, ये ब्रेड की तरह होते हैं, काफ़ी टेस्टी लगते हैं पानी में डाल के, और हमारे आटे के बनाते हैं ये. फिर हम ले सकते हैं स्प्राउट्स, डिलीशियस लगते हैं मुझे. बाकी यहाँ पर ये काफ़ी पत्ते हैं जो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लैचेस देख सकते हैं. फ्रूट्स में मेरा भी कुछ मन नहीं है, फ्रूट्स बाद में देखेंगे क्या खाना है. फ्रूट्स में हम बाकी कुछ खाते हैं, केक पेस्ट्री भी लास्ट में देखेंगे. तो यहाँ पर ये स्नैक्स का है, जैसे मैंने दिखाया था आपको. तो एक इनकी डिश है जिसमें ये प्याज, धनिया और ये किनका पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं समुंदर से लाते हैं, ये काफ़ी डिलीशियस होता है, तड़का सा लगाया होता है, सेसमे सॉस, सोया सॉस के साथ, जैसे आप देख सकते हैं स्नैक्स टाइप है, टेस्टी लगता है. तो ये थोड़ा ले लेते हैं, इसके बाद क्या लेंगे. यहाँ दूध पड़े हैं, लेमन जूस और कुछ मेरे मतलब का नहीं दिख रहा मुझे. ये तोफ है, तोफ है, तोफ है, तोफ ले लेते हैं.
यार ये प्लेटें बहुत छोटी दी है उन्होंने, यहाँ पर बहुत जल्दी भर जाती है। तो ये एक तरह का तोप है, यहाँ पर चाइना में बहुत तरह के तोप मिलेंगे आपको, सिर्फ एक तोप नहीं है, ये आप देख सकते हैं तोप है, डिलीशियस होता है। क्योंकि भाई मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं तो खाना पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा। पनीर नहीं मिलता यहाँ पर, घर में आप बनाना पड़ता है, तो मैं भाई तोप ले लेता हूँ। तो ये डिश है खीरे की, ये खीरे को इन्होंने काट कूट के थोड़ा ये छोड़ते हैं, ये लेते हैं। ये भी तोप की डिश है, डिफरेंट तोप है, मगर इसमें जो सोया सॉस यूज की होती है वो काफ़ी डिलीशियस होती है। नहीं लेनी पड़ेगी। Hello，你好。Hello，你好。你好吗？你们这可以吗？啊，听不懂。好不好？外国人。是外国人。啊耶，外国人。我知道，我是知道你是外国人。耶，印度国人。我们这好不好？好不好？好。Hello。I don't know Chinese。哎呀，都यहाँ पर लोग foreigners को देख के बात करते हैं easily, तो काफी special concern मिल जाता है。तो कोई खास बात नहीं है इसमें। तो भाई फिर से प्लेट रख के आता हूँ मैं। सो ये बाउजर मैंने कहा था आपका डम्पलिंग टाइप है, रोटी भी मिलती है मतलब यहाँ पर है नहीं, बेंग कहते हैं तो रोटी को। अच्छा है, बस मैदे का होता ही होता है, आपको वो नहीं मिलेगा आटे का, यहाँ मैदा ही मिलता है, आटा तो मिलता ही नहीं है। छली आपको यहाँ पर छली बहुत मिला करेगी अगर आप ट्रैवल करते हैं चाइना में, मोस्टली ब्रेकफास्ट में छली खाना बहुत पसंद करते हैं। बाकी बाकी नहीं कुछ लेना मैंने। आई कैन ट्राई दिस वन, एक ये भी बहुत टाइप है, कुछ ले लेते हैं। बाकी जैसे चाइना में आपको पता होगा सॉसेस बहुत यूज करते हैं, तो इनमें सेसमे सॉस और भी काफ़ी तरह की सॉसेस होती हैं जो काफ़ी डिलीशियस लगती है। तो जैसे यहाँ पर हम ये सॉसेस ले सकते हैं, एक बाउल्स पड़े होंगे, तो मुझे सेसमे सॉस पसंद है। जैसे जो जो आपने डालना होता है डाल सकते हैं इसमें, आपको लहसुन अदरक चिली और ये अनियन, कौन से अनियन होते हैं मेरे को नाम भूल गया, वो डाल सकते हैं। धनिया भी है, लहसुन नहीं चाहिए मुझे, चिली। यहाँ पर लाल मिर्च पे बहुत जोर डालते हैं, तो ये ऐसे थोड़ी से रखते हैं, थोड़ी सी डालनी होती है, बहुत चिली करारी होती है। तो भाई मेरी प्लेट फिर भर गई। और ड्रिंक में हम क्या लेंगे, लेट मी हैव अ ट्राई। तो कॉकटेल है, फ्रूट बियर कह सकते हैं आप इसको, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं रखी उन्होंने, एक प्रकार की थी जैसी है। आई एम सो हंग्री नाउ, तो चलते हैं अपनी सीट पे सामान लेके अपना। ओके आई एम गोइंग बैक विद माय फुल ऑफ डिशेस। सो ये मेरा हॉटपॉट है जो पानी बहुत ज़्यादा गर्म होकर बंद हो चुका है, कि मैं तोप तूफ लाया हूँ, सारा कुछ मेरा पड़ा है। ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका नॉन वेज है जो मैं नहीं खा पाऊँगा, और ये अंडे चंडे मैं खाऊँगा वेज, तो ये काउंटर है वेज का, वो है नॉन वेज का। ये मेरी ड्रिंक, तो अभी धूप निकली है और मैं डिनर कर रहा हूँ। तो ये जो ऊंचा टाइप है इसमें सॉस और जो भी मैंने डाला था इसमें, उसके साथ खा रहा हूँ, काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो चाइना में आपको फॉर्क नाइफ कम मिलता है, चॉपस्टिक यूज़ करनी पड़ती है। तो जैसे ये मेरे हैं तो उसमें मैं डालूँगा अपना सामान, जैसे ये मैंने ब्रॉकली, पानी गर्म करके इसको बॉयल कर देगा। एक्चुअली हम बॉयल खाना खा रहे हैं, आप कह सकते हैं कच्ची रॉ ब्रोकली है या रॉ पत्ते जो होते हैं वो इसमें डाल देने होते हैं, पानी में थोड़ा मसाला मसूला होगा वो इसको गर्म करके कुक कर देगा, और मसाला मसूले फ्लेवर के साथ काफ़ी डिलीशियस हो जाते हैं। तो ये वो 4 to 5 minutes लगेंगे बनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बाकी आप कौन सा फ्लेवर चाहते हैं, स्पाइसी टोमेटो जो भी, आप ले सकते हैं और खा सकते हैं। तो मेरा ये
रेडी हो चुका है जैसे आप देख सकते हैं वैसे मैंने लिटिल स्पाइसी मंगवाया था मगर कलर देख के लग रहा है बहुत ज़्यादा स्पाइसी है बहुत ज़्यादा स्पाइसी का ये भी जरूरत है ज़्यादा पानी पियेंगे ज़्यादा पानी पियेंगे तो कम खाएंगे तो मतलब राइट सामान बचेगा वही ये बॉयल हो रहा है आप देख सकते हैं तो हम जैसे निकालते हैं चाइनीज खाना खाना भी इतनी नहीं है तो हमने सन लड़के अपनी ट्रॉफी निकाल ली है ये बहुत गर्म होगी तो मैं इसको डालूंगा अपने सेसमे सॉस कॉली में ये यहाँ के मीठे राइस तो ये मीठे हैं कहते हैं मैं वैसे मेरे को मीठे राइस पसंद नहीं है ज़्यादा मगर आई वॉन्ट टू ट्राई तो चम्मच नहीं मिला मुझे तो मैं चॉपस्टिक से ही ट्राई कर रहा हूँ इंडिया की तरह जो चावल होते हैं मीठे चावल सेम है बस कलर थोड़ा डार्क है इनका पता नहीं क्या डाला बीच में बेस्ट मुझे लगा जो इन्होंने जो डंपलिंग से बनाए हैं कुछ टाइप बहुत टेस्टी है सेसमे सॉस में डाल के आप खा सकते हैं पर यार जो हाथ में खाने में मजा आता है ना मसाले में चॉपस्टिक आई डोंट नो ब्रश वो ये चॉपस्टिक्स में मजा नहीं आता खाने तो भाई खाना हो गया पूरा अब चले घर बहुत ज्यादा खा लिया मैंने बफे में यही पंगा होता है ज्यादा ही बंदा खा लेता है सो लेट्स गो होम तो भाई चिनमा था इस रेस्टोरेंट का नाम और आज का डिनर हुआ समाप्त अब चलें घर तो भाई आज का हम खत्म करते हैं व्लॉग तो बढ़िया लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए कुछ और जानना चाहते हैं चाइना के बारे में तो भी मुझे बताइए तो सी यू टिल नेक्स्ट टाइम और मिलते हैं अगली बार जय हिंद वंदे मातरम